आप लोग यही चाहते हैं ना मैं रमशा से शादी कर लूं? मैं रमशा से शादी के लिए तैयार हूं। क्या निहाल, तुम सच कह रहे हो? तुमने मेरी बात मान ली, मेरी बात का मान रख लिया? ठीक कहते हैं आप लोग, जब मुझे कभी ना कभी किसी से शादी करनी ही है तो रमशा से बेहतर कौन हो सकता है? यही बात तो कब से हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी। शुक्र है कि अब समझ में आ गई हमारी बात। अल्लाह करे कि तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल दे। रमशा तुम्हारे मिजाज को समझती है और तुम दोनों एक साथ पले बड़े हो, इसलिए हर बात खुल कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। और क्या, और सबसे बढ़कर कि कोई क्लास डिफरेंस नहीं है। रमशा कितनी इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, और उससे भी बढ़कर पहले वाली की तरह बदकिरदार भी नहीं है। जो वक्त गुजर गया है उसे याद करने का क्या फायदा है, और जो बातें तकलीफ दे हूं उन्हें दोहराया नहीं करते। निहाल बेटा, तुम्हारे इस फैसले से हमें बहुत खुशी हुई है। अल्लाह तुम्हें बहुत सी खुशियां दे। मैं अभी आई। मुझे तुम्हारी और कोई बकवास नहीं सुननी। मिस्टर आशिक, ये लड़की पागल हो गई है, इसे यहाँ से ले जाओ। अपनी ज़बान संभाल के बात करें। पहले तुम दोनों अपने किरदारों को तो संभाल लो, उसके बाद मुझे अपनी ज़बान संभालने का मशवरा देना। अपने करतूतों को तो संभालो पहले। क्या तुम किस लहजे में बात कर रही थी मेरी मॉम से? निहाल, अच्छा हुआ आ गया। मैं बताती हूँ कि इन्होंने। Stop it! इस ज़बान पे मेरा नाम भी मत लाओ। निहाल, चलो यहाँ से। इस पागल लड़की की बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। देखो तो सही, अपने आशिक के साथ इस गायनी क्लिनिक में खड़ी हुई है और यहाँ खड़े होकर मुझे ताने दे रही है। मिस मीना, आपकी बात सुनना तो दूर की बात, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे तुमसे शदीद नफरत है। क्या लगता है तुम्हें, मैं तुम्हारे झूठ पे यकीन कर लूं? एक बार गलती होगी है मुझसे भी ना,
दोबारा नहीं करूंगा। तो हमारी जंग का पहला नतीजा आ ही गया, पर तुम्हारा होगा उसका, है ना? मारा था ना थप्पड़? रियली सॉरी, मतलब मुझे ना यकीन में बहुत दुख हो रहा है कि तुम ट्रिप पे नहीं जा सके। अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे कमरे से। तुम्हारा कमरा? ये जो तुम्हारा कमरा और ये तुम्हारी जितनी भी चीजें जो तुम्हें प्यारी है ना, बहुत जल्द छीन लूंगी तुमसे। पहले ही कहा था कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है। जब इसकी चची ने इसके बारे में मुझे सब कुछ बताया तो तुम तो खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाऊं मैं? मेरे बेटे को धोखा दे रही है ये। इसका मान मोहब्बत करता है ये इससे, और ये धोखा दे रही है ये लड़की मेरे बेटे को। चुप हो जाऊं मैं? बदकिरदार लड़की। नहीं यार, अभी कहाँ, अब तो मैं खुद थकने लगे। जितना उसके करीब होने की कोशिश करती हूँ उतना ही दूर चला जाता। रमशा, रमशा, मैं करती हूँ बात। रमशा, क्या हुआ? बहुत खुश लग रही हैं आप। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बात ही ऐसी है। तुम सुनोगी तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगी। क्या हो गया, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट करी है? रमशा, अल्लाह ने मेरी सुन ली, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब तो मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, बताए क्या हुआ है? रमशा, निहाल मान गया है। क्या 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 मान गया? तुमसे शादी के लिए मान गया है। आप सच कह रही है ना? मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही ना? पागल हूँ क्या? तुम्हें मेरी खुशी देखकर अंदाजा नहीं हो रहा? अरे ऐसे मौके पे रोते नहीं है रमशा, बल्कि खुशियां मनाते हैं। ऐसे इमोशनल हो गई। पर ये हुआ कैसे? उसने अपने मुंह से कहा है ना कि वो मुझसे शादी करेगा। मौजजा हो गया रमशा, मौजजा हो गया। वो हमारे पास आया और कहने लगा कि मैं रमशा से शादी के लिए तैयार हूँ। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, मुझे यकीन ही नहीं आया कि वो क्या कह रहा है मुझसे। मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतने अरसे बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। मेरे तो कान तरस से गए थे ये खबर सुनने के लिए। आखिर हमें वो सब कुछ मिल गया जो हमें चाहिए था रमशा, मेरी मोहब्बत, मेरा मान, मेरा गुरूर। तुम्हें बर्थडे गिफ्ट चाहिए था ना, सो मैंने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दे दिया। अब शादी की तैयारियां करो। ये वाला गिफ्ट मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। बीना बेटा, मेरे लिए खाना क्यों ले आई आप? मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी खाला जान। मेरे हाथ का खाना चखोगी तो खुद भूख लग जाएगी। मैं जानती हूँ बेटा, मैं तुम्हें जितनी भी तसल्ली दे दूं कम है। जो कुछ तुम्हारे साथ हूं वो किसी को भी अंदर से इसी तरह तोड़ देता। बस बेटा ये बात याद रख लेना कि अल्लाह की जात बहुत बड़ी है और वो सब कुछ देख रहा है। जिसने किया है वो भरेगा, जिसने बोया है वो काटेगा भी, चाहे वो गुलाब हो या बबूल।
मैंने उनका क्या बिगाड़ा? क्यों जलील और रुसवा करना, लोगों की नजरों में इज्जत उछालना, रिपोर्ट्स गलत बनवाना, गलत मैसेजेस करवाना, क्या मिला उनको ये सब कुछ करके? बेटा बस इस बारे में मजीद मत सोचो, जितना सोचोगे उतना ही परेशान होगी। बेटा यहाँ तो ऐसे ऐसे मुनाफिक लोग हैं जो अपने फायदे और ख्वाहिश के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उसके लिए किसी की जिंदगी पे कुछ भी असर पड़े। तुम बस अल्लाह से ये दुआ मांगो कि अल्लाह ताला सब कुछ तुम्हारे हक में बेहतर करे। चलो शाबाश, थोड़ा सा कुछ खाओ, आओ बैठो इधर मेरे पास। एक परेशानी खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो गई। इतनी देर बाद निहाल माना है शादी के लिए तो ये जाकिर पता नहीं कहां से नाजिल होगी। मैं हर टेंशन से आजाद होके निहाल से शादी करना चाहती हूँ। जाकिर से ना मुझे तो बात करनी ही पड़ेगी, आखिर ये चाहता क्या है? बेबी, तुम्हारे बारे भी सोच रहा था और देखो तुम्हारी कॉल आ गई। हाँ, तुमने दिल से जो याद किया मुझे, क्या वाकई बहुत याद आ रही थी मैं? वो कहते हैं ना, बहुत 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 ज्यादा याद कर रहा था। वैसे सच पूछो तो मुझे भी बेहसास हो गया, मैंने तुम्हें ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी आखिरकार कदर हो ही गई। वो अम्मी कहती है मेरी अक्सर देर आए दुरुस्त आए वाला सीन टाइप। अच्छा सुनो, अगर आज तुम फ्री हो तो क्या हम खाने पर जा सकते हैं? Why not? Then I'll pick you at 7:30. नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे पिक नहीं करो, मैं अभी बाहर ही निकल रही थी तो मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। ऐसा करो अपनी लोकेशन सेंड कर दो, I'll pick you. अच्छा तो अभी करते ये हैं कि मैं बाहर हूँ, मैं 10 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ और I'll send you the location then, alright? See you my love, love you. Hello, my love. Hi. How are you? Good. किस बिल्डिंग में रहते हो तुम? हाँ, दोस्त का अपार्टमेंट है यहाँ पे, रहने के लिए उसने दिया हुआ है, लेकिन सिंस अब मैं पाकिस्तान में मुस्तकिल रहने वाला हूँ तो सोच रहा हूँ खुद कुछ खरीद लूँ। अच्छा, बड़े पैसे आ गए तुम्हारे पास, क्या काम काज कर रहे हो आजकल?
कुछ खास, बस कुछ इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर, गुजारा हो जाता है। भरोसा था मुझे, जरूर कोई दो नंबर काम कर रहे हो। इसी पैसे के लिए तो तुम मुझे छोड़ के गई थी, तो आज मेरे पास पैसा भी है और तुम भी हो, और जाकिर जो चाहता है वो हासिल कर लेता है, तो तुम जानती हो। ये बात तो हम दोनों में कॉमन है, जिस चीज की जिद लगा लेते हैं उसे हासिल कर कर ही रखते हैं। तो ये बताओ कि शादी कब कर रही हो मुझसे? जब तुम मेरा भरोसा अच्छी तरह जीत लोगे तब। तुम्हारा भरोसा कैसे जीतूंगा? मेरी सारी तस्वीरें मुझे वापस कर। तुम्हारी तस्वीरें जो हैं वो मेरे पास, जिस दिन हमारी शादी हो जाएगी उसी रात तुम्हारे सामने वो तस्वीरें जला दूंगा, वादा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, कॉफी पियोगी? बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ। हाँ हाँ चलो पढ़ी बंद करो। Let's go my love. तुमने बताया नहीं कि निहाल की रजामंदी का सुनकर मिदत खुश हुई? जाहिर है बहुत खुश हुई है, इतने अरसे से हम दोनों बहनों की यही तो ख्वाहिश थी जो पूरी होने जा रही है। उसकी खामोशी से लगता तो नहीं कि वो बहुत ज्यादा खुश है। हर एक इंसान की फितरत अलग होती है करीम, आप तो जानते ही है ना, मिदत को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करती। भाई निहाल की रजामंदी का सुनकर मैं तो खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा हूं। और मैं तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी हूं। अरे इतना ज्यादा हवा में मत उड़ना कि जमीन के काम रह जाएं। बिल्कुल भी नहीं, निकाह से पहले मैं सारे काम मुकम्मल कर लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। अरे भी तुम औरतों के शॉपिंग के झंझट भी तो बहुत होते हैं ना। वो तो है, खुशी का मौका है तो मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। अरे हाँ मुझे याद आया, वो मिदत से पूछना, उसे पैसे वैसों की जरूरत तो नहीं है? अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो जब यहाँ आई थी ना तो उसने अपने सारे पैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए थे, वहाँ से उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। हाँ ये तो अच्छी बात है। अरे आप मुझे बताएं ना कि आपने सबको इनवाइट कर लिया कि नहीं? अरे मैं ऐसे ही तो नहीं बैठा हुआ, सबको इनवाइट कर लिया मैंने। खैर से मेरे बेटे की लाइफ चेंज होने जा रही है। तो फिर डेकोरेशन वगैरह भी देख लें आप। अच्छा ठीक है। ये किसका फोन है? एक मिनट मैं फोन सुन क्या। हेलो
है ही रमशा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरे नाना यहाँ रहते हैं तो अक्सर मैं यहीं पाया जाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो मेरी दोस्त रहती है यहाँ पर, मैं उसको मिलने आई थी। ओ, वो सेकंड फ्लोर वाली अनीता, वो दोस्त है तुम्हारी? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? अनीता ही मेरी दोस्त है, मैं बस उसे मिलने जा रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बाय। अच्छा जी, तो चलाकी वो भी हमसे। सेकंड फ्लोर पे तो कोई अनीता नहीं रहती, दाल में कुछ काला जरूर। का मतलब है कि रमशा इसके घर में चोरी छुपे घुस रही है।
ये आदमी उसे मार देगा। रमशा ताला तोड़ के उसके घर में घुसी है। मुझे अभी नेहाल को कॉल करनी चाहिए, नहीं पुलिस को बुलाना चाहिए, ये ठीक रहेगा। क्या कर रही हो? तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली हो। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम लड़की होते तो शायद तुम मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, उस वक्त कौन सी मजबूरी थी जब तुमने मुझे धोखा दिया? उस वक्त कौन सी मजबूरी थी जब तुमने मेरा दिल तोड़ा? बताओ। माना मुझसे गलती हो गई, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि इसकी इतनी बड़ी सजा देने जा रहे हो तुम मुझे। तस्वीरें डिलीट कर रही थी ना? ए! बाकी तस्वीरें कहाँ हैं? मेरे पास सर। बाकी तस्वीरें? ए! इधर आओ। साकेत, प्लीज मेरी बात। ये क्या किया तुमने? तुम भागो यहां से, भागो, जल्दी करो। मैं निहाल को कॉल करके बताता हूँ। निहाल को क्यों कॉल करनी है, पागल हो गए तुम? देखो अमान, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई थी, अपनी दोस्त की वजह से आई थी। ये जो लड़का था ना, ये बहुत ही बुरा लड़का है। मासूम लड़कियों को फंसा कर बाद में उनकी तस्वीरों से उन्हें ब्लैकमेल करता है। तुम्हें पता, मेरी दोस्त को भी वो कितनी बुरी तरह ब्लैकमेल कर रहा था। वो बेचारी तो खुदकुशी करने वाली थी। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उसके लैपटॉप से सारी उसकी फाइल्स भी डिलीट कर दी और उसकी तस्वीरें भी ले ली। वाकई में बहुत अजीम इंसान है। मैं तो तुम्हें एक बहुत तेज और मतलबी लड़की समझता था यार, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। अच्छे तो तुम हो, इसकी वजह से आज मेरी जान बच गई। माना अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। कैसी बातें करती हो, बचाने वाली वो अल्लाह की जात है। हाँ बेशक अमान, मुझे उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा सीक्रेट हमेशा हमारे बीच में रहेगा। निहाल को तो नहीं बताओगे ना प्लीज? लेकिन क्या वो आदमी तुम्हारे दोस्त को दोबारा तंग नहीं करेगा? आर यू श्योर? नहीं, मैं बता तो रही हूँ कि मैंने उसके लैपटॉप से सारा डेटा भी डिलीट कर दिया और उसकी तस्वीरें भी ले आई। अब उसके पास ब्लैकमेल करने का कुछ है ही नहीं। सब तुम्हारी वजह से। थैंक यू वंस अगेन। चलो मैं चलती हूँ फिर। अच्छा ठीक है, तुम ख्याल रखना अपना। ओके बाय। श्योर। देखो आरफा बहन, मैं बात करती हूँ सीधी और साफ।
तुम्हारे कहने से रिश्ता तो लेकर आ जाऊंगी, लेकिन मुझे कोई नखरा नहीं चाहिए। है? नखरा किस बात का? तुम्हारी भतीजी तलाक याफ्ता है, ऊपर से बांझ भी है, फिर उसी के गुजारे के लायक रिश्ता होना चाहिए ना, चूचा ना करना। अरे तो मैं कब कह रही हूँ कि कोकाब से शहजादा लेके आ जाओ उस मनहूस के लिए। मैं तो खुद तुमसे यही कह रही हूँ कि जो भी है जैसा भी रिश्ता है ले आओ, बस शादी करा दो इस मनहूस की, हमारी जान छुड़ा दो इससे। लड़की से पूछ तो लिया है ना, उसकी इतनी औकात नहीं कि उससे पूछा जाए, हम आपसे कह रहे हैं ना काफी। और अगर ऐन मौके पे कोई तमाशा खड़ा कर दिया फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा खाला, हम सब संभाल लेंगे, आप फिक्र ना करें। बस तो फिर फिक्र किस बात की, मेरे पास है एक दो रिश्ते मगर पैसे नहीं है उनके पास, ये बात अभी से सुन लो। हमें पैसे से कोई लेना देना नहीं, आप बस रिश्ता ढूंढे लो। अगर ऐसी बात है तो काम हो गया समझ लो, बहुत जल्द तुम लोगों की जान छुड़वा दूंगी मैं उससे, फिकर ना करो बहुत जल्द रिश्ता करवा दूंगी। खुदा का खौफ करें आपा। माना कि वो बच्ची हमारे आसरे पे पड़ी है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम उसे गाय बकरी की तरह किसी भी खोटे से बांधते। खाला आप जा सकते हैं, और हमने जो आपसे कहा है उसे प्लीज याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। प्लीज बात सुनो, खुदा का खौफ है तभी ये सब कुछ कर रही हूँ, इसी में भलाई है उसकी। वाकई? तो और क्या है, शादी हो जाएगी, अपने घर में जाके इज्जत से जिंदगी गुजारेगी, और क्या चाहिए उस मनुष्य को। चले मान लेती हूँ कि आप ये सब कुछ उसके भले के लिए कर, लेकिन कम से कम रिश्ता देखते हुए इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि लड़का बीना की तरह पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। ऐसे किसी ऐरे गैरे के हाथ तो नहीं बया देंगे ना हम अपनी बेटी को। साजदा ये जो इतनी सारी खूबियां गिनवाई है ना तुमने उसकी, इन सब पे एक ही खामी भारी है, और वो ये है कि वो बांझ है। तो मैं आज आपकी ये गलतफहमी भी दूर कर देती हूँ, बीना बांझ नहीं है। रिफत और रमशा ने उसे घर से निकालने के लिए उस पे ये इल्जाम लगाया था कि वो बांझ है। क्या यकीनन बीना ने कहा होगा तुमसे, उसने कहा और तुमने यकीन कर लिया है ना? मेरी प्यारी भोली बहन, ये उसका नया ड्रामा है असल में। अरे रिफत को क्या पड़ी है उसकी रिपोर्ट्स बदलवाने की, बीना तो सदा की झूठी और मक्कार है, तुम्हें ही पता नहीं है और यकीन नहीं है इस बात का। उसी ने कहा होगा डॉक्टर से तुम्हारे सामने झूठ सच बोलने के लिए ताकि तुम यकीन कर लो, और तुमने यकीन कर लिया देख लो। अपा वो क्यों झूठ बोले? अच्छा भाई तुम्हें उसका इतना यकीन है तो कर लो यकीन, मैं तो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करती। तुम क्यों नहीं समझाती हो अपनी माँ को? ऐसा क्या गलत कर रही है मामा? बिल्कुल ठीक ही तो कर रही है वो। इस घर में रहेगी अजलान और मेरे बीच में दीवार बनकर। उसका इस घर से चले जाना ही बेहतर है, और शादी के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अपा उस बच्ची पे पहले ही बहुत जुल्म हो चुके, उस पे मजीद जुल्म मत कीजिए, आप उसे उसके हाल पे छोड़ क्यों नहीं देती? साजदा तुम तो इस मामले से दूर ही रहो, अच्छा मेहरबानी होगी तुम्हारी।
मैंने कह दिया कि उसकी शादी करवाऊंगी तो करवाऊंगी, और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। बस पता नहीं उस मनुष्य ने क्या घोल के पिला दिया है।